अपन सबने अयल का प्रयास करना है कि राम के ई पवित्र कथा प्रसंग के नौ दिन के अंदर आपने भी हृदय में नए विचार के रूप में राम जी को जन्म हुआ। प्रयास से सब संभव है। सु अवसर के साथ संकल्प लेकर कोई व्यक्ति दृढ़ता के साथ, दृढ़ भाव के साथ प्रयास करे, सब संभव है। विचार में पलटने की आवश्यकता है और आपा सब भी विचार ने जो रावण रूपी हो, असुरवर्ती को विचार है, बिन अपन सब न मिलकर राम भाव के प्रादुरूप के भाव के साथ नयो जन्म देण। पूज्य संत श्री अपने मध्य पधारे राममूर्ति दास जी महाराज को खूब खूब आभार। पूज्य श्री से प्रणाम। आपको सौभाग्य है कि कथा प्रारंभ में पूज्य संत श्री पधारे। रामनवमी के ही पावन अवसर पर बंधु, एक तरफ 500 वर्ष पुराणों सनातनियों को, हिंदुओं को जो संघर्ष हो, भी संघर्ष की विजय पताका आप सब फहराकर अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर नव प्रतिष्ठित होने के बाद में, या आज की रामनवमी ई आजाद भारत की और ई युग की प्रथम बार रामनवमी है, जगह रामनवमी पर अपन गौरव है, जगह रामनवमी पर अपन गर्व है। रामनवमी आप पूर्व में भी मनाता हर साल, लेकिन पा पूर्व की रामनवमी एक कुंठा के भाव के साथ, एक अपमान के भाव के साथ, कुछ कमियां के भाव के साथ मनी जाती कि राम को जटा जन्म हो, भी राम के जन्म भूमि पर आपा अपनो मंदिर पुनर्स्थापित कौन कर पाया। भी भाव के साथ आपा राम के जन्मोत्सव ने, राम के विचार ने मनाता, और आज आपनों सबको कितो गर्व गौरव सौभाग्य है कि आज बार रामनवमी आपने जीवन में आई है, जबकि रामनवमी पर अयोध्या धाम में भव्य शिखर भगवान ध्वज लहराती हुई भगवान श्री राम के और सूर्य दर्शना को आभास आप आज कर रहे हैं। अद्भुत रामनवमी है। और बंधुओं, आपा अपने सबकी सोचा तो आपा और भी गौरवशाली भाग्यशाली इलिया हाँ कि रामनवमी के दिन आपा सब राम को गुणगान सुन रहे हैं, राम की कथा सुन रहे हैं। आपनो कितो सौभाग्य है झुंझुनू में कि नई रामनवमी राम जी अपने समक्ष लेकर आया, भी रामनवमी पर अनवरत नौ दिन राम के दर्शना के भाव के साथ कुछ सीखने को, कुछ समझने को, कुछ जीवन नयो पाने को अपना प्रयास कर रहे। इसलिए आज अपन विश्राम नहीं समझकर प्रारंभ समझनो है। शुभ विचार को, अच्छी बात को और भगवान के कथा सत्संग को तो कदे विश्राम हुए, अयल को सोचनो ही गुना है। शरीर के श्वासा को बलहाई विश्राम उजाए, लेकिन सत्संग को, राम के नाम को विश्राम कदे भी नहीं हो जाए। इसलिए आज व्यवस्था की दृष्टि से बलहाई ई अनुष्ठान को, ई उत्सव को विश्राम हो सके है, परंतु एक जो नए विचार के रूप में आपने मन में कुछ जो भाव उभरिया है, बा भावान आत्मसात कर आज से अपन प्रारंभ कर लो। के प्रारंभ कर लो? राम को उत्सव प्रारंभ कर लो। क्या कर लो? रावण रूपी ऐसुरी विचार है, मन नष्ट कर लो। और शुभ अच्छा विचार राम जी जो स्वयं के जीवन के आदर्श से दिया है, वह सभी विचारों को नए जन्म
के रूप में अपने विचारां प्रति स्थापित करके करनो है। छोटा छोटा भाव है लेकिन वे छोटा छोटा भी मिलकर एक अथाह प्रेम के समुद्र ने निर्मित करेगा आपने जीवन में, और भी अथाह प्रेम के समुद्र के भाव के साथ जीवन में बहुत धन्यता आवेगी जगह की आप अब तक संभवतः कल्पना ही कोई करें। भगवान राम को जन्मोत्सव है, रामनवमी है, आपने भी तो कदे जन्म तिथि आती उसी आपा आपने स्वयं के इस शरीर की जो नश्वर शरीर है इसकी जन्म तिथि जन्मदिन के आपा ई आदर्श मनावा हा जको राम जी अपन आदर्श दियो अठे से अपन शुभारंभ करनो है। राम जी वाला विचार को सब लोगों से आग्रह कि राम के दर्शन का राम के भाव का धैर्यता के साथ स्मरण कर स्थायी रूप से चीर स्थायी रूप से अपन जीवन में मन स्थापित करा। राम जी को जन्मोत्सव अयोध्या मंदिर से लेकर पूरे विश्व का सनातनी लोग आज अपनी अपनी सामर्थ्यता के अनुसार मना रहे हैं। आपा भी कथा उत्सव पंडाल में विराजमान होकर आपा भी राम के उत्सव ने जन्मोत्सव ने मनाने को प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने घर परिवार में स्वयं को परिवारजना को बच्चा को जन्मोत्सव आवे जद भी आपा उत्सव मनावा दोनों की समानता देखनी है। अपन अवसर मिलो कि आज राम जी को जन्मोत्सव मनाया जा रहे हो भाई आप भी आपनों या परिवारजना को कदे उत्सव मनाओ, अन्यथा भी दुर्भावना ने अशास्त्रीय भावना ने पश्चिम के भी भावने जो जीवन में अपवित्रता ले आवे बिन त्यागने की आवश्यकता है। और शुभ सनातनी जो परंपरा अपन प्रतिस्थापित राम जी कर रहा है भी भावने आपा अपने जीवन के प्रारंभ से जन्मदिन के साथ ही खूब आरंभ कर भारतीय सनातन संस्कृति के विपरीत कोई भी हल्का संस्कार जीवन में है तो बाको आज जया राम जी रावण को उद्धार करसी नष्ट करसी वही आपन भी वह सब विचार नष्ट करने की आवश्यकता है। मोरवार परिवार को सौभाग्य है कि श्री राम कथा महोत्सव अंतर्गत अनेक उत्सव भी ये सब लोग जीवन का मना रहे हैं। काल भी फतेहचंद जी के छोटा भाई यहाँ को विवाह की वर्षगांठ थी और आज फतेहचंद जी को स्वयं को विवाह वर्षगांठ को आज दिन है किताब सौभाग्यशाली। राम कथा को उत्सव रामनवमी को दिन तमाम संतगण भक्तगणा को भाव राम का दर्शन और अयल के राम भक्ता को विवाह को मंगलमय दिन की तो शुभ दिन है। ये परिवार का प्रमुख सदस्य विनोद कुमार जी मोरवाल है बांको भी आज जन्मदिन है। राम को सोई रूप है, राम को सोई भाव है और बांका दर्शन करा तो राम किसी अनुभूति हुए। अयल के विनोद जी ने और फतेहचंद जी ने खूब खूब व्यासपीठ से बधाई खूब शुभ आशीर्वाद राम को भाव अनवरत आपके हृदय में बढ़े रहे। लेकिन आज चिंतन को विषय यो है कि विनोद जी ने और फतेहचंद जी ने दोनों ने बोला कि आओ आप केक काट से तो थे सब लोग सहमत हो के भी बात में हाँ बोलो या ना बोलो ना, क्योंकि वो असंस्कृतीय काम है आपने सनातन परंपरा के विरुद्ध है। काटनो तो रावण को काम है, राम को काम जोड़नो है। इलिए बंधुओं हो सके है ये भाव छोटा छोटा है लेकिन अब भावों को प्रभाव जीवन में बहुत बड़ो है, बहुत बड़ो है। और अयल के भावन है प्रभु के चरणा में आपा अर्पित कर बा उत्सव मनास्या तो वह उत्सव नहीं वह जीवन का महा उत्सव बढ़ जाएगा। कोई होटल में जाकर जन्मदिन केक काट कर दीपक बुझा कर मनाणो
अथवा आपको जन्म दिन गुरु के चरणम प्रभु के चरणम जाकर गोमाता की सेवा करकर दीप प्रज्वलित करकर दीन हीन की सेवा करकर मनाणो जितो अंतर है भी अंतर ना आप सब जाना हाँ लेकिन फिर भी मन मस्तापित कौन करा। सीता जी को जीवन कई अलको हो राम जी को जीवन कई अलको हो ये पवित्र सभा में मैं मेरी वाणी के द्वारा अगर इयाल की बात बोलूं कि कोई के भी जीवन में दुर्व्यसन है तो भी छोड़ दियो तो मन अच्छे गुण लाग रहे हो क्योंकि अयल को राम कथा जी को उत्सव और फिर आपा सब राम रसी का हां प्रेमी हां आपने जीवन में अयल की कोई दुर्व्यसन की लत की संभावना है मैं समझ को पा रहे हो कि अयल की कोसी लेकिन फिर भी कोई छुपेड़ी खटे न खटे कोई कूड़े में दबेड़ी माताओं बहनों बुजुर्गों युवाओं कोई भी प्रकार की दुर्व्यसन की लत जीवन में है। अब मैंने बोलने की आवश्यकता को नहीं कि बिन छोड़नी है क्योंकि इतना तो आप 9 दिन में समझिया ही हो सी और इतना ही नहीं समझ पाया तो भी बीमारी को इलाज कौन से स्थान पर है भी की चिंता करने की आवश्यकता। राम का आदर्श ने मैं जीण वाला हूं सीता का आदर्श ने मैं जीण वाला हूं मेरे जीवन में अयाल की सब दुर्व्यसना की आदत है गंभीर रूप से चिंता करो। मैं नीचे से नीचे प्रातः नींद खुलने से पहली और कई कई जगह तो यहां देखने मिलियो कि भलो वे भी चाय को जिकी बाबा सुतेड़ा ने जगा तो दे चाय नहीं हुए तो अपना लोग तो जाग गई। हे भगवान हे राम हे सीता कद जीवन में याल को दर्शन आशीष को राम के नाम के साथ मेरी निंद्रा भागे। सूर्य उदय होने के पूर्व ही राम भाव के साथ मैं मेरे शरीर से निंद्रा से जागृत हूं वो कद दिन आशीष। आप लोग इतो दुर्भाग्य हो गो इतना नीचे गिर कर रावण भी कौन गिरे उसी तो नीचे तो कि आपने चाय के नाम से अपना जागने की नौबत आ रही है। असंभव चीजा नहीं है सब संभव है। राम जी आपके जीवन में बादशाह भी ही के कई लोग तो इतना मूर्ख है माने मूर्ख बोलिया जा कि अज्ञानी बोलिया जा खे बोलिया जा बोले बार लक्ष्मण जी के बाण लागे वा सरजीवन जी मुंटी की उपमा भी सदे देव हे भगवान। तो भाव आप सबके समक्ष बंधुओं दृढ़ता से स्थापित करने को यो है कि ये सब जो छोटी छोटी साधारण साधारण चीजा है ये सब अपन अपने जीवन से छोड़नी है। रावण वध को राम जी आज अपन वो ही भाव दे रहा है। राम जी ई राम कथा के प्रसंग में रावण को उद्धार कर दियो और आपा सुन लियो और घहा चला गया अठाई इट्टी श्री नहीं हो रही है। ई सच्ची कथा सुनने को प्रभाव बंधुओ वो है कि बुराई रूपी विचार आपने जीवन में कोई है वहां को आज ई राम रस के हथियार के साथ वध करा और मैं मेरे स्वयं सहित मैं इतनी बात कर मैं स्वयं ने पर नहीं उठा रहे हूं मैं स्वयं नहीं भी सबके साथ में शामिल कर रही हूं। आपने सब में बुराइयां है मनुष्य जीवन हाँ मानव जीवन है इस संसार के जीवन में आप रह रहे हाँ बुराई हो संभावना बढ़ी जाए इसलिए निष्पक्षता के भाव के साथ आप चिंतन करा कि मेरे जीवन में कौन सी बुराई है और चिंतन कर वह बुराइयां ने सामने लाकर आज राम जी के चरणाम अर्पित कर दो और कह दो हे भगवान राम
ई महल रावण ने छेपेली मारो भी रावण ने तो त्रेता युग में बीबी को वध कर दियो हो, लेकिन वो फिर विचार में रावण पनपगो चाय पीनी अनेक कुड़िया बीड़ी सिगरेट खन्नी वगैरह वगैरह पतो नहीं। सनातनी कई परिवार अयाल का है कि पूजा तो कर रहे हैं राम की, और जीवन में बाके परिवार में जाकर देखे तो कर्तव्य कर रहा है रावण। अयोध्या में एक भी यहाँ को वर्णन नहीं है जटा कोई मैं खानो है कि कोई मांस खानो है कोई बीड़ी पुड़िया है, कोई भी यहाँ को वर्णन अयोध्या में नहीं है। अगर वर्णन है तो लंका में है, रावण के जीवन में है। बंधुओं तय करो ने कि मैं रावण को वंशज हूं कि राम को वंशज हूं, तय करो। अपा झूठो ही धोखे में बढ़ रहे हैं कि मैं तो राम का वंशज हां। अरे आचरणा को चिंतन करो ने, मेरे कहने से थोड़ी जैसी, स्वयं के कहने से थोड़ी जैसी। मानू राम ने जीवन जीवू रावण वाला सा ना, बहुत गलत। थाना आशीर्वाद चाहे ने दे रहा हां ले लियो ना, वो आशीर्वाद तो कौन सा है मान, तो फूंक मार दो, फूंक के सा गई मारा सब काम हो जाए, तो वो आशीर्वाद तो राम जी भी राम कथा के मान दियो कोई। स्वयं राम भी आपके जीवन में 14 वर्ष वनवास में रहा है, कितो संघर्ष करे है। सती साध्वी माता सीता जके जीवन को आचरण को अगर आपा मनन चिंतन करा तो अपनी बुद्धि बैठा तक की कोनी। प्रभु राम माता सीता स्वयं के जीवन ने होम करे है, तपायो है, पुरुषार्थ की प्राकाष्ठा आपके जीवन से प्रतिस्थापित करी है। जद वे राम बढ़िया है, जद वे भगवान बढ़िया है। अरे आपने भगवान तो मत बढ़ो, इंसान तो बढ़ो, इंसान तो बढ़ो कम से कम, और नहीं तो फिर बेईमानी मत करो, सीधी स्वीकार करो सा मैं तो रावण वंशी हां, मैं तो राम रावण ने मानन आला, झूठा ही रामनवमी मना रहे हार काम कर रहा ना। चिंतन की आवश्यकता, खुद को मंथन, समुद्र मंथन होने वो खुद को मंथन करो आज। आप संभिल कर, मैं भी कर रही हूं, मेरे भी जीवन में कोई थोड़ी बहुत बुराई हो सी है ही के। हे राम, रामनवमी के एक पावन अवसर पर राम कथा के विश्राम पर रावण रूपी कुछ विचार बुरा जका है, हे प्रभु अयल को बल दीजिए बुद्धि में, अयल को दृष्टि बदलिए, मारी सबकी जकी जीवन से पे बुराइयां हटे, और फिर आनंद आवेगो बंधुओं, बहुत आनंद थी मारे जीवन में। आनंद देखो तो के है मारे जीवन में, कई लोगों के मन में अयल का भाव आता ही होसी, और आवे ही महाराज थारो जीवन बहुत बढ़िया, बिल्कुल है साहब, ऐसो आनंद को जीवन है, प्रभु की ऐसी कृपा है, न तो कोई पुड़िया है, न कोई गांजो है, न कोई सुल्फो है, न कोई अम्मल है, चाय को नाम ही नहीं है, कुछ भी जीवन में नहीं है, जद आनंद है, जद आनंद है। चाय के आनंद लो, आशक बीमारी कयाल की हुए मैं तो कदे सुनी को, थारे समक्ष हां थारी तरिया ही जीवन है, कोई अंतर नहीं है, कपड़ा में भलाई अंतर हुआ लेकिन भाई तो बुद्धि है, भाई आंखें हैं, हाथ पांव, जो थारो शरीर है भैया कोई मारो शरीर है, उम्र भी खूब बीत गई इस शरीर ने, लेकिन कोई आंख में, कोई नाक में, कोई दांत में, कोई आंत में आल तक तो कदे कोई बीमारी आई को नहीं, क्यों को नहीं आई? बाबू जी मारे तो पगह में दर्द है, मारे तो कमर में दर्द है, तो बाबू जी के करे कोई को, जीवन भर यार की चीजा खाई जकी राक्षसा न खानी चाहे जका राक्षस खावे, जीवन भर भोग भोग्या, जीवन भर ई जीव ने ई इंद्रिया ने वासनावा की पूर्ति के लिए के करनु चाहे के नहीं करनु चाहे जको भान कोन रही हो, और अब अयाल की शरीर की स्थिति हुई तो भगवान के एक गुरुवा के एक संता के चरणा में जाकर दुख प्रकट कर रहा हो तो भी को किए बटे किए बटे को, जो कर लिया अपा कोई साफ किताब तो बंधुओ, लेकिन जब जगे तभी सवेरा, आज जागो, राम जी आया जगाड़ में,
राम जी आया, आज चाय नहीं आई है जगाण में, आज राम जी जगाण में आ रहा है। और वे कह रहा है, हे पुत्रों, हे प्रेमियों, हे राम के वंशजो, उठो जागो, रावण विचार न त्यागो, और मैं आज खड़े हूं थारो भी रावण रूपी विचार ने नष्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए। राम जी कह रहा है, थे थोड़ो सो संकल्प मन में लाओ, राम के साथ में आप संकल्प न जोड़ांगा तो अपन बहुत मदद मिलेगी। आ कठोरता से आप आत्मा आप सबके समक्ष इसलिए प्रस्तुत कर रहे हूं कि अयाल अयाल का भी मैं प्रेमी देखा हूं, मेरे जीवन से जगह प्रेम करने वाला है, मेरा मित्र है, चेला में कदे बनाया को नहीं बनाऊं भी होगा। ब प्रेमिया ने भी मैं जद कहो ने, हालांकि अलका कम ही मिला लगभग से बात मारी, लेकिन कुछ एक अलका प्रेमी गलती से भूल से एक आधा चेला भी जगान में कहो रे पुड़िया छोड़ दियो, तो वह मन छोड़ दियो पुड़िया को छोड़ दियो। हे भगवान, देखो वहां का दर्शन कद बदरसी। अठिन राम जी बोलिया है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और अठिन राम जी आड़ा वंशज बोल रहा है कि सो क्यों चलो जा, चाहे गुरु जी थे चलिया जाओ, चाहे माता पिता चले जाओ, चाहे राम जी चले जाओ, मैं पुड़िया नहीं छोड़ांगा, मैं तो इन पकड़ रख रखांगा। अब्बा को क्या बोलो, बोलो इतनी भक्ति जितनी बात दुर्व्यसना की आपा करा बंधुओं, सोचियो बहुत अच्छो चिंतन निकल रही है राम जी की कृपा से। जितनी बा भक्ति आपा अपने जीवन में बात दुर्व्यसना की करा हाँ, 20-50% भक्ति भी आपा राम की कर ली ने, तो जीवन धन्य हो जाए बंधुओं में, आप धन्य निहाल, जीवन में कोई कमी रहे कोई नहीं, कोई तनाव दुख दरिद्र कुछ भी समझ रहे, भक्ति तो आप कर रहे हैं यहां, डर जद लाके, चिंता जद हुए, दुख जद हुए, अरे मेहनत तो आप कर रहे हैं, लेकिन बा मेहनत आपन आपने जीवन में दुख लावे, अयल की मेहनत कर रहे हैं, भी मेहनत को मार्ग पलटो। रावण की लंका में पैदल जाने के लिए भी मेहनत है, और राम जी की अयोध्या में पैदल जाने के लिए भी मेहनत है, दोनों में मेहनत है, लेकिन आपा रावण की लंका में जाकर के पावांगा और राम जी की अयोध्या में जाकर आपा के पावांगा, सोचो तो सही। और हाँ, अब राम जी इतनी कृपा कर रहा है और एक कृपा ने अब ग्रहण कृपावा आपा सब नहीं, मैं शामिल हूं, मैं ज्ञान दे रहे हूं या मत समझियो, मैं तो खुद भी प्रयास कर रहे हूं, एक आदि जो है बुराइयां पर छूटे भगवान राम की कृपा से, आपन सब ने प्रयास करने की आवश्यकता है बंधुओं, वो ही राम को सार है और कोई सार नहीं है। राम के बात, राम के विचार ने, राम के भाव ने सुनकर एक कान से निकाल देनो बात खटा खटा थोड़ी, दोनों काना सापा भी राम के दर्शन ने सुना और वह एकदम अपने चित्त में बुद्धि में विचार में दृढ़ता से बात स्थापित उजाए, बस सच्चाई है राम की कथा सुनने की, अयाल की सुनने की आवश्यकता है। खूब राम कथा हो रही है लेकिन राम भक्ता के जीवन में परिवर्तन नहीं है। अपन सब ने दृढ़ विश्वास है आज माताओं, आपा स्वयं ने बदलने को शुभारंभ आज करांगा, निश्चित करांगा, विचार ने बदलांगा, घर में परिवार में सामंजस्य रखांगा, अपनत्व रखांगा, सबसे भाईचारो रखांगा, माता पिता की सेवा करांगा, बच्चा जो छोटा छोटा है वह राम के दर्शन सिखाने को प्रयास करांगा, पति ने देव के रूप से गुरु के रूप से मानांगा, पत्नी जो है लक्ष्मी है धर्म पत्नी है ये भाव से देखांगा, और मेरो भाई तो मेरो भरत ही है, अयाल को भाव में रखूंगो, अयाल का सब कोई भाव जीवन में आत्मसात कर लिया, वो घर अयोध्या है, वो घर राम को है, सोचने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है, माध्यम से और अवसर से ही जीवन में
परिवर्तन आने की संभावना बने है और माध्यम अवसर मिलने के बाद में भी जीवन में परिवर्तन नहीं आवे तो भी व्यक्ति से भी जीव से बड़ो दुर्भाग्य बंधुओं कौन हो सकता। अंतिम भाव आप सबके समक्ष प्रस्तुत करके आपा अशोक वाटिक माता सीता जी के और रावण हनुमान जी के भी संवाद की तरफ अग्रसरों से माताओं बंधुओं धर्म न समझो अंधविश्वास में मत डूबो। वर्तमान युग में जिस तरीके से धर्म को भयंकर तरीके से आपने राष्ट्र में बोलबालो है और भी के बाद में भी परिवर्तन की कोई लहर नहीं दिख रही है इको ही कारण समझ में आयो कि वो धर्म दिखाओ है वो धर्म आडंबर है वो धर्म धंधो है सत्य तन बहुत दूर है वो धर्म इलिए सत्य तन समझो भी धंधे में भी अंधविश्वास में मत पड़ो अंधविश्वास में मत पड़ो। राम का दर्शन राम के नाम को गुणगान जीवन में आचरण में बदलने को ही दर्शन है बंधुओं। प्रातः प्रातः अपन भगवान राम की पूजा करांगा पूरे जीवन पाप करांगा अरे आ कौन सी पूजा है कद समझ मासी ते मत करो राम की पूजा मत जाओ अयोध्या। जीवन में राम का आचरण धारण करो वह जरूरी है आई सच्ची पूजा है इससे बड़ी कोई पूजा नहीं राम की आई राम जी कह रहे हैं। अब कोई अपन गुरु समझाने वाला नहीं मिल रहा है तो स्वयं की प्रज्ञान जागृत करो स्वयं की प्रज्ञान जागृत करो न दुख राम दे रहे है और न राम दुख दूर कर सके अपना कर्म ही अपन दुख दे रहा है और अपना सुकर्म ही अपन सुख देवेगा। राम तो सिर्फ मार्ग बता रहे है रस्तो बता रहे है भी रस्य प्रचालन की आवश्यकता है राम वो मार्ग भी आपको जीवन जीकर बतायो है। मैं जो मार्ग बतायो हूं कि गोमाता की सेवा करो तो वो मैं सुनकर समझकर पढ़कर नहीं गोमाता की सेवा कर वो मार्ग बता रहे हूं वही राम जो मार्ग बता रहे अभी मार्ग ने खुद ने जियो है राम जियो है। 14 वर्ष पूर्व जब राम जी ने वनवास प्राप्त हुए तो राम जी मना कर सका है ना दशरथ जी को बोल रहा है कि नहीं राम मत जावन में सुमंत ने भेजे वापिस लाने के लिए राम जी अगर वनवास में नहीं जाता तो घटे दिक्कत ही नहीं जानू चाहे हो क्यों और 14 वर्ष परेशान होने की आवश्यकता ही जंगल में भटक्या घटे आवश्यकता ही लेकिन ना अगर यहां को काम करता राम जी तो राम राम कौन ही भगवान कौन बनता मर्यादा पुरुषोत्तम कौन बनता पिता की आज्ञा को पालन ही पुत्र को सबसे बड़ो धर्म है। आप भी राम ने तो पूजा और राम का स्वरूप पिता की आज्ञा की पालना तो बहुत दूर है पिता से मिला ही कौन नहीं कितनी साधारण बात जो एकदम अनपढ़ व्यक्ति साधारण परिवार घर गृहस्थी में रहने वाली स्त्री माता बहन भी समझ सके इन समझ ही जीवन की जो गाड़ी है जकी भी भव सागर से पार होगी बंधु अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। डॉक्टर कन चल जाए वैद्य कन चल जाए चाहे गुरु कन चल जाए चाहे कोई बड़ो से बड़ो ज्योतिषी शास्त्र कोई भी मंजिल जो सच्चाई की बात प्राप्त होगी बस सनातन शास्त्र के अनुसरण करने के बाद में भगवान श्री राम के दर्शना के बाद में ही बात प्रारंभ होगी। अंधविश्वास में मत जाओ पाखंड में मत जाओ ऐ धर्म की भावना ने धर्म के रूप से धारण करने को कार्य मत करो सच्चाई ने समझो सच्चे धर्म ने समझो और भी धर्म ने जीवन में धारण करो धारण धर्म की रक्षा आपा कर सिया तो धर्म आपनी रक्षा कर सी को भाव के है इको ओ ही भाव है कि पेड़ में काटूंगो तो मेरे प्राणा की संकट उत्पन्न होएगो और पेड़ में लगाऊंगो तो मन श्वास प्राप्त होएगो ऑक्सीजन प्राण प्राप्त होएगा कितनी सरल बात है समझ जाओ।
तब देखी पिता मनोहरी राम नाम अंकित अति सुंदर तब देखी पिता मनोहरी राम नाम अंकित अति सुंदर कदित चितवन करी पहचानी हर शिव साज हृदय अकोनी पछतावन करी पहचानी हर शिव साज हृदय अकोनी जीत को सके अजय गिराई जीत को सके अजय गिराई माया पे असी रची नहीं जाई माया पे विचार करना मधुर वचन बोले सीता विचार करना मधुर वचन बोले हनुमान रामचंद्र जी बड़ी मेला सुनती सीता तेरे दुख भागा लागी सुने शरण मन लाई लागी सुने शरण मन लाई आखिर को सब कथा सुनाई आखिर को सब कथा सुनाई राम दूत मैं मात जाने की सत्य सतत कर राम जाने की ये मुद्गा मात में आई इन राम तुम कह सुनाई कभी जोर चलिस प्रेम सुनी कभी जा मन विसरा जाना मन तुम बचनी है पिता सिंह कर पिता सिंह कर समय से भी अशोक वाटिका में
विरह की अग्नि में जीवन ने जीता जीता आज यो पूसो जीव प्राणी आयो है जो राम का भाव राम का दर्शन कथा के माध्यम से करा रियो है। माता सीता जी अयाल को मन बा मल्याया और जो ही मन में राम के दर्शना को रस प्राप्त हुई हो और पूर्ण है अयाल को जीव अयाल की वाणी प्रकट हुई हनुमान जी महाराज तुरंत भी वृक्ष पर से कूद कर माता जी सीता जी के समक्ष उपस्थित होया। सीता जी जो ही समक्ष हनुमान जी महाराज आया मुंह फेर लियो यो विचार कर कर कि यह रावण की लंका है, मायावी राक्षस कोई भी रूप में आकर मेरे सामने आ सके है, मैं क्या विश्वास करूं कि तू राम को भक्त है। हनुमान जी महाराज विस्तार से सब कुछ सीता जी ने बता रहा है, राम को दो तू हनुमान मेरो नाम है, राम जी मन भेजियो है, लेकिन फिर भी रावण की जो भावनावां की स्थिति ने अनवरत लंबे समय से सीता जी देख रहा, विश्वास माया के प्रभाव से संपूर्ण हो कुन पायो, लेकिन हनुमान जी महाराज एक शब्द आपके मुखारविंद से माता सीता जी के समक्ष प्रकट करियो कि हे माँ मैं राम को दूत हूं, मैं करुणा निधान को दूत हूं। करुणा निधान जो ही शब्द माता सीता जी सुनियो हनुमान जी से मन तसल्ली हुई कि यो शब्द जो है करुणा निधान यो मैं स्वयं ही प्रभु के लिए उच्चारित करूं करती, इन कोई दूसरों जाने को नहीं, उस शब्द जीव के मुख से निकले है निश्चित ही राम को दूत है, विश्वास हुई सीता जी ने, तसल्ली हुई हनुमान जी की ओर मुखारविंद होकर हनुमान जी ने देखो हनुमान जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं दोनों को, संवाद माता सीता जी को हनुमान जी महाराज को अद्भुत दूर है, पूरा प्रसंग बतायो है राम जी कि आपके हरण के बाद में की स्थिति हुई, खटक खटक गया के कर रहा है, मक्का आयो, तमाम सब भावना विचार जो है हनुमान जी माता सीता जी के समक्ष प्रस्तुत करया और विश्वास दिलायो कि अब वो दिन दूर नहीं है कि बहुत ही जल्द प्रभु राम आवेगा, रावण को अंत करेगा और आपने दर्शन देवेगा, आप ज्यादा अब भयभीत या परेशान दुखी होने की आवश्यकता को नहीं। माँ ने देख कर पुत्र ने भूख तो निश्चित ला गई, हनुमान जी महाराज संध्याकालीन को वो समय हो और माता सीता जी ने बोल लिया कि माँ भूख ला गई, कुछ प्रसाद पाने के लिए सीता जी बोल रहा कि अशोक वाटी का है इमको फल लाग रहा है या राक्षसा की वाटिका है, राक्षस इका रक्षा करने वाला है, तू तोड़कर तो मत खाए, नीचे जो पड़े है वे फल तू खा ले। हनुमान जी गया वाटिका में, नीचे कुछ पाने फल को नहीं प्राप्त हो, यहाँ सीता जी की आज्ञा है तोड़ना है नहीं, मैं के करूं। हनुमान जी महाराज आपके वेग ने प्रकट कर रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, तमाम अशोक वाटिका का जो वृक्ष रहा बारवक्सा नहीं उजाड़ वाटिका ने तहस नहस करनु प्रारंभ कर दियो, कुछ राक्षस आया, राक्षसा ने एक मच्छर की बांते सबको उद्धार करियो, बड़ा राक्षस आया बंद आपकी पूंछ में लपेट कर सबने समुद्र में फेंक दिया, कुछ गाहिलो एडा राक्षस रावण की सभा में जाकर रावण ने कह रहा है कि अशोक वाटिका ने उजाड़ दी, एक बानर आयो है राम को दूत बता रहे है, रावण ने बानर को नाम सुनता ही और भी कभी मस्तक पर पसीना आया कि मेरे काल तो नहीं आगो घटे, आपके पुत्र अक्षय कुमार ने भी बानर ने नष्ट करने के लिए मारने के लिए भेजियो है, अक्षय कुमार आयो है हनुमान जी के साथ युद्ध करियो है,
हनुमान जी महाराज भी अक्षय कुमार को भी उद्धार कर दियो। रावण ने पतो चालियो, रावण भयभीत हुयो, दुखी हो, डरियो और आपके दूसरे पुत्र मेघनाथ ने भेज रियो। मेघनाथ को और हनुमान जी को युद्ध चालियो है, बड़ो युद्ध हुयो है, खूब राक्षसान तहस नहस करया है। मेघनाथ ब्रह्मास्त्र को उपयोग कर रियो है। हनुमान जी महाराज में राम को बल है, कोई भी ब्रह्मास्त्र हनुमान जी महाराज ने काबू में लिया कौन सके, पकड़ कौन सके, लेकिन मर्यादा की पालना ब्रह्मा जी को वो अस्त्र है। और ब्रह्मा जी के अस्त्र में भी मैं अगर काबू में पकड़ में फांस में नहीं आयो तो ब्रह्मा जी के भी भाव ने कमजोर करने की दृष्टि हो सके है। ये भाव के अनुसार भी मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र में फांस में हनुमान जी महाराज बंद हैं और रावण के समक्ष भी दरबार में हनुमान जी महाराज ने लाया जाऊं है। हनुमान जी निर्भयी ही, बाकी मन में कोई भय नहीं है, निर्भयी होकर रावण के समक्ष उपस्थित हुआ है। कौन? हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी हैं, धर्म ने आत्मसात करने वाला ही। दूसरी तरफ रावण है, राक्षस है, भी सभा में जब हनुमान जी महाराज पूछ रहे तो तमाम सब देवी देवता राहु केतु सब नक्षत्र शनि तो चरणा में रावण के, इतो बल है, इतो तेज है रावण को, लेकिन फिर भी हनुमान जी के मन में भय नहीं है किंचित मात्र भी। आखिर वह को भी क्यों? क्योंकि हनुमान जी के ऊपर भगवान राम की कृपा है और ब्रह्मचार्य को बल है और धर्म की भावना को दृढ़ संकल्प हृदय में है हनुमान जी के महाराज के, इसलिए इतो कुछ समझ से होने के बाद में भी कोई भयभीत की बात नहीं। रावण पूछ रियो है, अरे कौन है तू, तेरे में इतो बल आयो घटस है, वाटिका ने तू कया तहस नहस कर दी, तन मृत्यु को डर को नहीं के तेरे समक्ष मृत्यु खड़ी आवे, तन बांध राख्यो है और अगले ही पल में तेरी मौत है, तन डर को नहीं गे। हनुमान जी बोलिया, रावण डर तो तन हो चाहे, आ मृत्यु मेरे पास में जो खड़ी है ना, मेरे कन्ने ही खड़ी है, लेकिन आतन देख रही तन है, दृष्टि तेरे पर है ही मृत्यु की, इसलिए तू डर मन मृत्यु को डर को नहीं। अद्भुत संवाद भी सभा में रावण को और हनुमान जी, हनुमान जी निर्भयी होकर रावण के साथ संवाद कर रहे हैं। रावण बोल रहे हैं आपके दूता ने, आपके सैनिका ने, राक्षसा ने कि इन्हें ले जाकर इनका प्राण फकेरू उड़ा दो, इन मार दो वानर ने, तो भी हनुमान जी भयभीत नहीं है। जो ही आदेश सुनिया, रावण का भाव सुनिया, हनुमान जी के मन में किंचित भी कोई भय नहीं आयो। भी दौरान विभीषण भी सभा में पूछ रहे हो, विभीषण पूछकर रावण ने बोलो कि नहीं, इन मारनु नहीं चाहे आपा, नीति के विरुद्ध है, राम के दूत के रूप में यो हनुमान आयो है और दूत ने मारनु नीति के विरुद्ध है, और इन मार दियो जागो तो राम तक संदेश भी कया जागो, इसलिए इन मारो मत। विभीषण बोल रहे हो, रावण के समझ में आई बात कि ठीक बोल रहे हो, सरस्वती बुद्धि पलटी है, हनुमान जी महाराजा सोच रहे हैं रावण की, तो के करो जाए। सब लोग बोलिया कि अंग भंग कर दो, अंग भंग, हाँ यह ठीक। हनुमान जी जो यह अंग भंग को नाम सुनो तो चिंतन कर रहे है कि ये उसको अंग भंग करेगा। सुरपण खाकी जया नाक काटी, भैया खड़े नाक तो नहीं काट देगा, नाक कटने को मतलब आप सब समझ आए, अनेक भाव चिंतन कर रहा है। रावण बोलियो कि बानर ने सबसे प्यारी भी की पूंछ हुआ है, ये कि पूंछ के आग लगा दो। हनुमान जी बोलिया यो काम ठीक है, आपकी मौत स्वयं ही रावण बुलाओ, पूंछ को ही
सब कुछ प्रभाव है बंधुओं, जठे व्यक्ति की पूंछ नहीं है बठे ही व्यक्ति को अपमान है, और जठे व्यक्ति की पूंछ है बठे व्यक्ति को स्वाभिमान है। मेरी दिल्ली तक पूंछ है, बड़ा बुजुर्ग सोचे भाया मान तो घर में कोई पूछ ही गई, पूंछ को ही सब खेल है। विस्तार सही भावना दर्शन दियो है, और राक्षस लंकावासी हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ों लपेट कर तेल डालना प्रारंभ करियो। सब आप प्रसंग ने विस्तार से सुनियो है, समझियो है, ध्यान में है। हनुमान जी महाराज आपके भी बल से खूब रूप ने बढ़ायो है, पूंछ ने खूब लंबी करी है, पूरी लंका को तेल और पूरी लंका को वस्त्र भी हनुमान जी महाराज के पूंछ पर लपेटना में कम पड़ गो। तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहा है रावण जी के माध्यम से कि रावण के तन पर सहित तमाम जो लंकावासी आवा के तन पर जो वस्त्र है वह ही हनुमान जी छोड़िया है, बाकी पूरा वस्त्र जो भी रोई आदि ही बा संपूर्ण विसर्जित होगी। राम का दूत हा हनुमान को रूप हो, पूंछ के अग्नि लगाई और हनुमान जी आपके रूप में आया और पूरी लंका को दहन। सब ग्रह से प्रसाद आयो है पूंछ पर लपेटने के लिए कपड़ों, तो हनुमान जी प्रसाद को रूप भी सब ग्रह में वापिस पहुंचे, अयल को भाव तो रखे हुए न, और पूरी लंका आज धू धू कर कर जल लिए। लंकावासी भयभीत है, डर है, बानर आयो है और वो बानर पूरी लंका ने आज तहस नहस कर दी है। जलाई 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 एक पाटन लंका जलाई, जलाई जलाई एक पाटन I'm
संपादित करे हुए और वापिस अशोक वाटिका में आकर माता सीता जी के समक्ष प्रणाम निवेदित करकर शीघ्र ही राम भगवान सेना सहित आवेगा आपने लेकर चलांगा वो भाव अर्पित करे हुए और निशाने के रूप में माता सीता जी आपकी चूड़ामणि उतार कर और हनुमान जी महाराज के सुपुर्द करी है। हनुमान जी और भी ही वेग से एक ऊंचे पर्वत पर जाकर लंका से छलांग लगाई है और वापिस समुद्र ने पार कर कर अंगद जामन जी आदि वानरा की जो सेना ही वहां के समक्ष उपस्थित हुआ उतरिया है। जो ही एक भाव हनुमान जी के मुख पर दिखियो तमाम वासब ने सबने आनंद की वर्षा हुई कि शुभ समाचार लाया है। निश्चित ही सीता माता जी खोज कर हनुमान वापिस आया है। हनुमान जी उतर कर सबने जामवन जी ने अंगद जी ने तमाम सब नल नील आदि हा बानर भालुओं की सेना ही वहाँ के समक्ष तमाम वृतांत बतायो है। सीता जी से मैं मिलकर आया हूँ और सब लोग मिलकर भी पर्वत पर प्रभु राम व लक्ष्मण जी विराजमान बैठे सब लोग पहुँचे हैं। तमाम सबसे मिला है भगवान श्री राम हनुमान जी को सारो वृतांत सुनियो है। बंधुओं हनुमान जी महाराज एक कार्य को अकेला सरल लेने के लिए भाव नहीं रख रहे हैं। लंका जल समुद्र न लांग कर जा रहा हा भी समय भी तमाम जो बानर भालू हा बानर सब ने एक ही निर्देश देकर गया है कि आप सब अठे ही रुकियो मैं वापिस आऊं भी से पहले आपने राम जी के पास जाने की आवश्यकता को नहीं। अब वापिस आया है तो भी सबने साथ में लेकर गया है। मैं अकेलो ही काम को सरे ले राम काज को श्रेय हनुमान जी मन ही मिले आ नहीं सोच रहा है। अद्भुत भाव है आज कोई भी काम को श्रेय मन ही मिले अयल की भावना है वा हनुमान जी महाराज के दर्शन के विपरीत है। कई बार तो स्थिति है कि बड़े काम तो करे दूसरो और बिन मत इम्मा उठ लियो मेरे करेडो है श्रेय ना श्रेय प्रभु अपना आप देवेगा अपनो कर्तव्य है और कर्तव्य की जो खुशबू है बंधुओं बात दसों दिशाओं में फैले हवा के साथ कौन फैले। जबरदस्ती कोई खुशबू कृत्रिम बनाएड़ी है बात तो हो सके है हवा जो है दिशा भी हवा की तरफ भी जागी बिकी भी एक सीमा है परंतु कर्तव्य की खुशबू जीवन में दसों दिशाओं में अगर तेज गति से भी हवा चल रही है तो भी हवा के भी सामने भी कर्तव्य की खुशबू जागी। इलिए भी ब्यूटी पार्लर की खुशबू के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। कर्म के कर्तव्य की खुशबू जीवन में आवे
मां सोचने की आवश्यकता है। जीवन कितोई कुरूप हो जाए लेकिन कर्तव्य की अगर जीवन में खुशबू है तो राम जी आपके चरणा में बिन जगह देवे। हनुमान जी महाराज हनुमान को रूप बांदर को रूप लेकिन बाकी जीवन में कर्तव्य की पालना ही बंधुओं, इसलिए कृत्रिमता के पीछे नहीं दौड़ने की आवश्यकता है। प्राकृतिक जो है जो दियो है प्रभु बिन ही स्वीकार कर लियो। अब काला अगर हार पे धोला उघा तो माने क्यों मुंडो काला करनाने की आवश्यकता है। जो प्रभु को है वो ही है ने। चित्त ने पवित्र रखो, चित्त मेरो पवित्र है तो मेरो तन अगर अशुद्ध है साफ सुथरो नहीं है तो भी प्रभु स्वीकार करेगा। करियो है ना केवट नर निषाद राल सब न करियो। इसलिए भगवान हनुमान जी महाराज के द्वारा श्रेय लेने की होड़ को भाव दूर राख कर सब लोगों के वानर बालवा के साथ पहुंचकर समाचार दिया है। प्रसन्नता व्याप्त हुई है। सीता जी को तमाम सब भाव प्रभु के चरणाम अर्पित करियो है। चुड़ामणि निशानी के रूप में जो देई वा प्रभु श्री राम के समक्ष अर्पित करी है और भगवान श्री राम अब बोल रहे हैं कि अपन सब ने अब देरी नहीं करनी चाहिए और शीघ्रता से अपन लंका पर चढ़ाई करनी चाहिए। बिल्कुल सबके आ ही तो उत्सुकता है, वही तो राम काज करने को भाव है। हनुमान जी जो कार्य कर कराए है भी कार्य में महरो भी कुछ सेवा अर्पित हुए बानर भालो कोई तो सब चिंतन कर रहे हैं। चलो सब लोग मिलकर सेना की बा भारी जो एक पोज ही मानर बालवा की जो बटे से प्रस्थान हुई तो आकाश में भी आच्छादित बादल की तरिया सूर्य ने एक बार रोक लिया और समुद्र के किनारे सब लोग आकर आपको आवास बनायो। समुद्र के किनारे राम लखन प्रभु के नेतृत्व में जामवंत जी अंगद सुग्रीव आदि नल नील हनुमान जी महाराज आकर लाखों करोड़ों की संख्या बानर बालूहा बस सब पहुंचकर बैठा रुकया है और चिंतन कर रहा है कि इस समुद्र ने कौन सी दृष्टि से अपन पार कर लिया। दूसरी तरफ बंधुओं तुलसीदास जी महाराज लंका में रावण की सभा में अपन वापिस ले जा रहा है। रावण ने पतो चालो कि समुद्र के भी पार उत्तर दिशा में राम जी सेना ने लेकर आगा और जल्द ही लंका में आने वाला है। ये बात न जानकर सुनकर और रावण डरियो भयभीत हुयो। सभा बुलाई, सब लोगों ने बुलाया, सभा में मंत्रणा चल रही है, सब लोगों से सलाह ले रहे है रावण कि अपन के करना चाहिए। विभीषण भी उपस्थित है, कुछ मंत्री समझदार है वह भी सब उपस्थित है। विभीषण रावण ने बोल रहे है कि भाई मेरी सलाह है, वह मनुष्य रूप में कोई मानव नहीं है, परमात्मा को पूर्ण रूप है जो पृथ्वी पर मानव रूप में अवतरित हुयो है। बस तू बराबरी मत कर, बस तू दुश्मनी मत कर, तेरो भलो इमी है, लंका को और पूरे कुटुंब को भलो इमी है कि तू राम की शरण स्वीकार कर ले। अच्छो रस रावण ने विभीषण के द्वारा जो ही यह शब्द सुनता ही क्रोध आयो, अरे तू मेरो भाई है कि द्रोही है, मेरे दुश्मन की तू प्रशंसा कर रहे है, आप बुद्धि भ्रष्ट कया हो तेरी। रावण बोलो दोबारा प्रयास कर रहे हो विभीषण की समझ तू, बुद्धि मेरी नहीं रावण, बुद्धि तेरी भ्रष्ट हो रही है। जनक नंदनी ने वेदही ने जानकी ने वापिस सुपुर्द कर दे तू और शरण ग्रहण कर ले, बे करुणा सागर है राम तन स्वीकार करेगा तन शरण देगा। एक साधारण सो दूत हनुमान बानर के रूप में जो आयो लंका में और वो इस सोने की लंका की के दुर्दशा करगी, जो तो एक साधारण दूत है
राम की सेना को, और सब तो दूत इस कई ज्यादा बलशाली है रावण, इन तू क्यों कौन चिंता कर रहे हो। विभीषण जी अनेक प्रकार से संभाषण करकर भी सभा में समझा रहे हैं, लेकिन रावण के समझ में नहीं आ रही है। और अंत में रावण खड़े होकर आपके भाई विभीषण के लात मारी है, अपमान करियो है, मेरी सभा छोड़कर चल जा, इतो ही तन राम प्यारो है तो तू आगलो कदम लंका पर धर्मत जाकर राम की शरण तू ग्रहण कर। रावण आपके भाई विभीषण राम की भक्ति विभीषण के जीवन में जागृत उठी, और विभीषण वर्णन है तुलसीदास जी बता रहे हैं कि आगलो कदम आपको भी लंका की भूमि पर धयो ही को नहीं, चार अन्य मंत्री हा रावण का बे और स्वयं विभीषण विमान में ही पग धरियो दूसरों, और विमान में बैठकर समुद्र पार कर और राम जी की भी सभा में उपस्थित हो विभीषण। रावण को भाई जो ही राम ने राम जी ने पतो चालो कि रावण को भाई विभीषण आयो है दूता के द्वारा, और बानर बालू सब तैयार हुआ विभीषण ने पकड़ने के लिए, मन शांत करया। सुग्रीव जी ने बोल रहा है राम जी कि सुग्रीव जी मेरी शरण में कोई व्यक्ति आयो है, बिन शरण दे रहा हूं मेरो कर्तव्य है, और मेरे समक्ष लाओ विभीषण। विभीषण जी राम जी के समक्ष आया, राम जी का चरणम आपको मस्तक अर्पित करो, तमाम सब भाव अर्पित करया राम जी विभीषण ने स्वीकार करो, और तमाम विभीषण के हृदय में जो भाव हा दुख दर्द हा पान सब ने दूर कर वर्णन है कि प्रभु श्री राम समुद्र में से जल मंगा कर और विभीषण को बठही राज्याभिषेक कर दियो कि लंका को राजा तू ही है विभीषण, चिंता मत कर। बा राजगदी जी पर राक्षस है रावण, बिको बहुत ही जल्द अंत होनालो है, और भी पर तू ही बैठेगो राम जी की आकृपा विभीषण ने प्राप्त हुई, इलिए कि विभीषण तपस्या में भक्ति मांगी ही भोग कौन मांगे। विभीषण जी को अद्भुत राम जी के साथ और संवाद भी समय रावण का भी कुछ गुप्त चर बठे पहुंचे है, जकाने अया वर्णन आयो कि बा राम की भक्ति अया की प्रभावित ही कि राक्षस जो दूसरो रूप धरकर आया है भी सभा में गुप्त सूचना लेने के लिए रावण का, जका भी आपके भी नकली रूप ने बना कुन पाया बन भी असली रूप में आणु ही पड़ो, राम जी के करुणा को राम के ज्ञान को भक्ति को इतो प्रभाव पर पड़गो भी के नकली बन कुन पाया, और वे बानर सब पिछाण लिया बातू तन पकड़िया अच्छी तरह से मां की सेवा पानी बस करी। लक्ष्मण जी ने भी पतो चालो मां का प्राण बक्षण को संदेश दियो और एक पत्र दियो कि तेरे रावण ने ले जाकर दे दे तू वापस चल जा, दूता ने जो गुप्त चराया था। सब लोग समुद्र ने पार करने पर चिंतित है। विभीषण जी बोलिया प्रभु आपने सागर से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपने रस्तो देवे, भगवान राम को भी वही भाव है। लक्ष्मण जी बोल रहा है अपा छत्री यहां घटे प्रार्थना करने की आवश्यकता ही, प्रभु आपके बाण में ही इतनी ताकत है कि एक ही बाण इस समुद्र ने सुखा देसी अपन मार्ग प्राप्त हो जैसी, लेकिन राम के हृदय में भाव हा समुद्र के जलचरा का, समुद्र में इतना जलचर है जीव है बाकी प्राणा की रक्षा करनी जरूरी है। लक्ष्मण थोड़ो तू धैर्य राख, विभीषण उचित वाणी बोल रहा है अपन कुछ समय समुद्र से प्रार्थना करनी है, मार्ग देवे गो तो अच्छी है, अन्यथा तो जो तेरा भाव है वह करना ही है। समुद्र के समक्ष प्रार्थना प्रारंभ हुई है मार्ग के, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं सागर से,
मार्ग देने के लिए। तीन दिन प्रार्थना चाली, मार्ग समुद्र के द्वारा प्राप्त कोनी हुई हो या जानकर भगवान श्री राम आपके प्रतंचा पर बाण चढ़ायो और भी बाण ने समुद्र की तरफ जो ही तैयार करियो त्यों ही भयभीत समुद्र डरकर प्रभु राम के समक्ष कांपतो यो प्रार्थना करी कि प्रभु मेरा प्राण बख्शो, मैं अज्ञानी हो, मेरे बुद्धि पर अज्ञान को प्रदो हो, भी गलत दृष्टि से मैं समझ कौन पायो, आपकी प्रार्थना में स्वीकार कौन कर पायो, समझ कौन पायो, मैं अब बुद्धि ने समझूं, आप मन बख्शो और वो बाण मत चलाओ, आपकी सेना में नल और नील है, बांके द्वारा कोई भी पत्थर समुद्र में डूबे कोनी, तेरे गो और वे पुल निर्मित कर सके हैं और पुल निर्माण करकर आप सेतु बनाकर ही मेरे समुद्र ने पार करो, अयल को भाव समुद्र प्रभु श्री राम के चरणाम अर्पित करो। लेकिन दूसरी तरफ जो बाण हो वो प्रतंचा पर चढ़गो, वापिस कोनी उतरे बिंदु छोड़नो ही है, वो घटे छूटेगो। समुद्र देवता बोलो कि दक्षिण दिशा में ई बाण ना आप छोड़ो, जठे कुछ असुर लोग अयल का ही जो मन बहुत परेशान करें समुद्र ने, बाको नाश करो। भगवान श्री राम भी बाण ने दक्षिण दिशा पर छोड़कर समुद्र ने परेशान करने वाला असुरों को अंत करियो और अब सेतु प्रारंभ हो रहे बंधु, समुद्र पर सेतु राम की सेना के द्वारा, राम की सेना के द्वारा समुद्र पर सेतु निर्मित हो रहे हो। राम नाम से अंकित कोई भी पत्थर भी समुद्र में डाल रहा है वो डूब रहे नहीं। करोड़ा वर्ष पुरानी या सनातन परंपरा जगह को आज भी जीतो जाग तो गौरव है राम सेतु। करोड़ा वर्ष पुरानी आ सनातन परंपरा जगह को जीतो जाग तो गौरव आज भी प्रमाण के रूप में मौजूद है राम सेतु। बंद हो अयाल के गौरव ने, अयाल के राम के स्वयं के द्वारा निर्मित राम सेतु ने तोड़ने के लिए आपा आपने सामने ही कुछ परिस्थितियां देखी, बोलनों को नहीं याद रखना। मेरे राम के अस्तित्व ने, मेरे राम के सेतु ने ये आजाद भारत की सरकार के द्वारा गलत दृष्टि से, गलत बुद्धि से, भेद की भावना से तोड़ने को प्रयास हुयो हो, हिंदू सनातनी जनता बोली बहुत भूले बहुत है, भूल जियो मत। इतिहास में आपा अनेकों राम मंदिर सहित अनेकों आस्था का स्थल भी टूटे आयल को पढ़ियो है, लेकिन आपा अपने सामने तो आज चीज देखी है ना। रावण रूपी बे दुश्मन सनातन विरोधी विचारधारा आज भी जिंदी है और राष्ट्र व सनातन विरोधी रावण रूपी बा विचारधारा नष्ट हुए, अयल का अपन सबने राम के दूत के रूप में बढ़कर प्रयास करने की आवश्यकता है। आलस्य में नहीं, जातिवाद में नहीं, निष्क्रियता में नहीं, लालच में, स्वार्थ में नहीं, व्यक्तिगत की भावना के साथ नहीं, पुरुषार्थ के साथ, राम के भाव के साथ, जो दृष्टि राम ने
राम के द्वारा निर्मित राम के सेतु ने तोड़ने की है। जो दृष्टि राम ने काल्पनिक बताने वाली है, जो दृष्टि राम के विरुद्ध है, जो दृष्टि राम के ही राष्ट्र के विरुद्ध है, भी दृष्टि ने जया हनुमान जी महाराज नोची है, जलाई है लंका ने, भी रूप से जलाने को आत्म गौरव पुरुषार्थ ई राष्ट्र की जनता ने जागृत करने की आवश्यकता है कि आपा सच्चा हनुमान भक्त, सच्चा राम भक्त निर्मित हुआ। बकुदृष्टि को डर नहीं है, जिससे ज्यादा सनातनी समाज की निष्क्रियता को डर है। आज रावण रूपी विरोधी विचारधारा को डर नहीं है, मूल प्राण भी है ही नहीं, परंतु चिंता ई राष्ट्र को संत समाज जद करे, जद एक ही पीड़ा जागृत हुए है कि मेरे समाज की जो निष्क्रियता है, भी निष्क्रियता कोई वो प्रमाण है कि राम ने काल्पनिक बता दियो जाए और राम ने राम के राम सेतु ने तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी मशीन पहुंच जाए, बटे निष्क्रियता के कारण भी निष्क्रियता ने आपने सबने तजनी है, छोड़नी है राम भक्ति के रूप में, राम भक्ति के रूप में। कोई सत्ता के लालच में नहीं, कोई स्वार्थ में नहीं, कोई नेता का लोलुपता के भाव से नहीं, ई भाव से कि मेरे राम के राज्य की स्थापना भारत में वापिस हुए और राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के नाम से घोषित हुए, इसके लिए मन तपस्या करनी है, मन साधना करनी है। और वे राम का दूत बानर भालू तो कितनी मेहनत करी, हनुमान जी महाराज की पूछ जला दी, के हुयो, अपन कुछ करने की आवश्यकता को नहीं। 5 साल में एक दिन निष्क्रियता ने तज कर जी भाव से संविधान के मुताबिक आज सत्ता की राज सत्ता की चुनने की जिद गणना आवे है, भी टेम जो आपा निष्क्रिय हो जावा और वह विरोधी सक्रिय हो जाए, इसलिए राम का भक्त अधिक संख्या में होकर भी राम की विरोधी विचारधारा स्थापित हो जाए, इसलिए भी निष्क्रियता तजड़ी है। बंधुओं, राम को वही यज्ञ है, भी काल में भी युग में राम के तप के बल से, सनातन के बल से, यज्ञ से राजा उत्पन्न होता, आज मत से राजा उत्पन्न हुआ है, और वो मत विचारधारा प्रकट करने की जब बात आवे, अपन निष्क्रिय हो जावा, जातिवादी में बट जावा, अनेक विचारधारा में बट जावा, मन सबने तज कर और अपन राष्ट्र की उन्नति के लिए, राम राज्य की स्थापना के लिए अपन कार्य करना है। एक भजन
इतना प्रसन्न है श्री को आगमन अपना सबके लिए गौरवमयी है, आनंदमयी है। राम दर्शन के साथ संत दर्शन अपन अवश्य उचित मार्ग प्रदान करेगा। पूज्य संत श्री को बार बार प्रणाम। राम सेतु को वर्णन आप सब प्रसंग में बंधुओं सुन रहे हैं। सेना के द्वारा सेतु को निर्माण, संता के द्वारा और तुलसीदास जी की रामायण के माध्यम से 100 योजन 7 योजन समुद्र को वो सेतु को निर्माण राम की सेना के द्वारा हुआ। आज के किलोमीटर के हिसाब से भी सेतु ने अगर समझो जाए 1200 किलोमीटर लंबो और 120 किलोमीटर चौड़ो राम सेतु, राम जी की सेना
लंका में जाने के लिए रावण को वध करने के लिए बनायो हो। कल्पना करो, विचार ने भी दृष्टि में ले जाओ, बीत भी युग में आज की विज्ञान बोले है ना कि मैं चांद पर पहुंचगा। आज की विज्ञान भी समुद्र में 1200 किलोमीटर लंबो पुल बना कौन सके। राम जी को विज्ञान, राम को वो दर्शन, 1200 किलोमीटर बोल रही हूं मैं, अटस बंबई 120 किलोमीटर दूर, चौड़ो चौड़ाई 120 किलोमीटर और लंबाई 1200 किलोमीटर भी राम सेतु के पुल को निर्माण राम की सेना सीता जानकी ने पाने के लिए रावण जियाल के असुर ने वध करने के लिए निर्माण कर। वर्णन है कि राम की सेना जब भी पुल पर उतरी तो इतनी भीड़ होगी, इतने चौड़े पुल पर भी इतनी भीड़ होगी कि समुद्र का जो जलचर हा, समुद्र का जीव, वे जीव भी पुल के दोनों तरफ राम का दर्शन करने के लिए अथवा राम की सेना का दर्शन करने के लिए उपस्थित होगा कि वो 120 किलोमीटर पुल और चौड़ो होगो और वे जलचर जीव भी राम की सेना के लिए तैयार होगा कि मारे से भी मारो भी उपयोग करके कर समुद्र ने पार करो। तो कुछ अयाल का बानर बालूहा जो बात जलचरा पर भी पांव रख रख कर भी समुद्र ने पार कर रहे। अद्भुत दर्शन, अद्भुत दर्शन भी राम सेतु का जगह रामायण जी के माध्यम से अपन हो रहा है भी सेना, राम की सेना भी समुद्र ने पार करो है। कुछ बानर बालू आकाश मार्ग से उड़कर भी जा रहे हैं, अयाल को वर्णन है। राम जी के नेतृत्व में हनुमान जी, जामवंत जी आदि दल नील के साथ बा राम की सेना समुद्र ने राम सेतु भी सेतु के पुल के माध्यम से पार कर कर आज भी लंका की पृथ्वी पर उतरी है, आई है। सागर पार कर कर सुबेल फाड़ी ही एक भी पहाड़ी की तलहटी पर विश्राम कर रहा है आज सब राम के सानिध्य में। रावण की सभा में समाचार पहुंचो कि राम और राम की सेना लंका में आ गई। भयभीत हुई हो लेकिन आपके बहन छुपा रहे हो, लंकावासियां ने सेना ने मेरे भय दिख नहीं जाए, इसलिए रावण मंदोदरी ने पतो चालो। मंदोदरी रावण ने अंदर कक्ष में ले जाकर खूब समझा रही है रावण ने, अब भी मान, अब भी तू समझ, वेदही ने सुपुरुत कर दे, राम की शरण ले ले, मैं लंका की बहुत पूरी परिस्थिति का दर्शन कर रही हूं पतिदेव समझ। लेकिन भी की बुद्धि इतनी भ्रष्ट ही रावण की कि वो के भाई से समझेगो अथवा के पत्नी से समझेगो, कोने समझ में आई। सायकालीन शिखर पर एक स्थान हो रावण को जेठे वो श्याम को नृत्यांगना से नृत्य करवा तो भी पर जाकर मंदोदरी के साथ बैठकर नृत्यांगना से नृत्य करा दिया। सायकालीन को समय है, भगवान राम भी पहाड़ी पर बैठकर दक्षिण दिशा की तरफ दृष्टि डालकर विभीषण ने पूछ रहा है कि विभीषण दक्षिण दिशा में जो मन दिख रहे है, ये जो बादल सा दिख रहा है, बिजली चमकती दिख रही है, रोशनी सी दिख रही है, के वो समय लंका में वर्षा को समय है के। विभीषण भी और दृष्टि डालकर प्रभु राम ने बोल रहे हो कि प्रभु नहीं, वो तो आप जो देख रहा हो यो लंका में रावण को जो महल है, निवास है, बिके शिखर पर ऊपर एक स्थान निर्मित है, जटे वो संध्या कालीन सायकालीन के समय नृत्यांगना बुलाकर नृत्य करावे, और जो रोशनी दिख रही है मंदोदरी के संगार की करण फूल की रोशनी और रावण के मुकुट के मणि की रोशनी का दर्शन हो रहा है। भगवान श्री राम ने जो ही बात को पतो चालो, प्रभु राम तर्क बाण निकाल कर प्रत्यक्ष पर चढ़ाकर बठे से ही ताण कर छोड़ियो है। बंधुओं और तुलसीदास जी
अपन बता रहे कि वो बाण इन निशाने पर लागियो है कि रावण को मुकुट और मंदोदरी को कर्ण फूल टूटकर गिरकर नीचे गिर गो। रावण भयभीत हो परिस्थिति देखकर बाण वापिस राम जी के नाजे आए। कोई पतो नहीं चल रहे है, मंदोदरी ने भी पतो नहीं चालियो है। रावण भयभीत हुए सिर्फ कि काल नजदीक आ रहे हो, समझने को प्रयास कर रहे हो। रावण आपके बहने दोबारा छुपाने को प्रयास कर रहे है। मंदोदरी को हाथ पकड़कर नीचे ले जा रहे है, सबने भेज रहे हो। डरने की कोई आवश्यकता को नहीं, लेकिन ललाट पर पसीनो छा गो रावण के। दोबारा मंदोदरी समझाने को प्रयास कर रही है रावण ने कि रावण महान, लेकिन बंधुओं अनंत काल से अनंत समय से राम के द्वारा धर्म की वो स्थापना को भाव इस पृथ्वी पर विकी पूर्णता के लिए विके पूर्ण स्थापना के लिए जो समय युगा युगांतरा से पृथ्वी का लोग अथवा देवलोक का देवता देख रहा है, वह सब अच्छी तरह से आज समझ गया कि वो समय धर्म की स्थापना को प्रारंभ हो रहा है। प्रभु राम प्रातः काल सुग्रीव जिन, विभीषण जिन, जामवंत जिन, हनुमान जिन, अंगद आदि ने बुलाकर मंत्रणा कर दिया है कि अब कौन सी योजना से आपा ने युद्ध को प्रारूप प्रारंभ कर। जामवंत जी भी सभा में प्रभु राम के समक्ष आपको सुझाव प्रेषित करियो कि भगवान आपा ने लंका पर चढ़ाई युद्ध की करने से पूर्व दूत के रूप में एक बार भेजनो चाहे रावण कन अंतिम प्रयास, ताकि समझ में आ जाए तो युद्ध की परिस्थिति नहीं बढ़े। और सुझाव दियो है कि आपा दूत के रूप में अंगद ने भेजा, इसलिए कि अंगद नीति में भी निपुण है और अंगद के पिता बाली के द्वारा रावण ने युद्ध में हरायड़ो भी है, 6 महीना कांख में रखियो रावण ने। भी कभी कुछ समझ में आवेगी कि अया का योद्धा राम की सेना में है, तो हो सके कुछ समझ में आ जाए, इसलिए अंगद ने भेजो जाए। प्रभु भी सुझाव ने स्वीकृत कर आदेशित अंगद ने करो कि दूत के रूप में पूछा। अंगद जी लंका में प्रवेश कर रहा है। अंगद जो ही लंका में प्रवेश करो बंधु हो, लंका के अयल की परिस्थिति उभी। अंगद जी का दर्शन कर इतना भयभीत हो यहाँ लोग कि वो कुछ समय पूर्व एक बंदर आयो हो, वीरान कर दी ही लंका ने, वो ही बानर दोबारे लंका में प्रवेश कर गो। और लंकावासी बिना पूछे ही अंगद ने रस्तो बता रहे रावण को, महल को पूछ रहे थे बठीन रावण बठीन, इतना भयभीत। अंगद को निर्भय भावना के साथ रावण की सभा में प्रवेश, और रावण अथवा अंगद को संवाद, अद्भुत संवाद। परिचय रावण की नीति से भी निपुण भाव के साथ अंगद रावण के साथ संवाद करियो। रावण पूछ रहे है कि कौन है तेरो के परिचय है, तू तो बांदर है। अंगद बोलियो रावण बाली को नाम सुनो सी, मैं भी को पुत्र हूं, मेरा नाम अंगद है। लंबो संवाद अंगद पांव जमाकर भी सभा में उपस्थित होयो, तू के राम से युद्ध करे हो, राम को एक साधारण योद्धा मैं हूं, तेरी सेना में एक व्यक्ति मेरो पांव भी अगर हिला दे तो राम तेरे साथ युद्ध कौन करे। इतो बड़ो भाव अंगद भी सभा में प्रस्तुत करियो
रावण सब योद्धाओं ने निर्देश दे रहे है अंगद को पांव हिलाने के लिए। रावण का बड़ा से बड़ा योद्धा जो हा वे तमाम सब प्रयास करियो अंगद को पांव हिलाने के लिए, लेकिन भी अंगद को पांव सीता माता रूपी पृथ्वी भी इतो पकड़ कर स्थापित कर लियो कि हिलाणो तो बहुत दूर की बात है, तनिक भी अंगद के पांव ने सरका कर सकया रावण का बचा। अंत में रावण स्वयं उठकर अंगद के भी पांव ने हिलाने को प्रयास कर लिया है, और जो ही अंगद आपको पांव पीछे कर लियो और बोलिया रावण तने कोई पांव में गिरनो है तो तू तो राम के चरणा में ही गिर, तेरे जयालकन मैं मेरे पगाम गिराकर राम की प्रतिष्ठा कम थोड़ी करूंगो, तू राम के चरणा में गिर ताकि तेरी गति पूर्ण हो। और अंगद जी आपके पांव ने तेज गति से पृथ्वी पर रखियो है, भूकंप किसी व्यवस्था स्थिति भी समय भी सभा में उगी, सब सभा में लोग उपस्थित चाहबे डिल्ले लगा गिरने की स्थिति होगी, और रावण का छह मुकुट गिर कर पृथ्वी पर धड़ाम से आ गिरा इतनी भयंकर तेज गति से, और वे आपके बाण से मुकुट प्रभु श्री राम के चरणाम अर्पित। Thank you.
बुद्धि का दाता हा, बल का प्रभावी हा, मान एक काल नेमी राक्षस कया मन रोक सके, कया मां को विघ्न ला सके। बंधुओं, परंतु अपन सबने चिंतन करने की आवश्यकता है कि रावण रूपी अल का काल नेमी राक्षस अपनी भक्ति में तो कदे बाधा पहुंचाना को प्रयास नहीं कर रहे हैं। राक्षस हो लेकिन वो रूप बढ़ायो, धर्म को रूप बढ़ायो, संत को और बाधा पहुंचाने को प्रयास करो। हनुमान जी की भक्ति में आपा इस संसार का साधारण जीव हां, अपनी भक्ति में बाधा अयल की परिस्थितियां के अनुरूप पहुंच रही तो नहीं है ना, चिंतन करने की आवश्यकता। बहुत शीघ्रता से विद्रोचल पर्वत पर हनुमान जी महाराज पहुंचा और सजीवनी बूटी कौन सी है खोजने को प्रयास कर रहा है। हनुमान जी महाराज न देखकर सजीवनी बूटी भी आपको रूप छुपा लियो, समझ में को नहीं आई। और हनुमान जी महाराज भी पूरे पर्वत ने ही आपकी हथेली पर उठाकर रात्रि में ही वापिस लंका के लिए प्रस्थान करियो। आते समय चिंतन हुई हो हनुमान जी महाराज को कि मैं अवधपुरी से गुजरूं ताकि मैं भी का दर्शन भी कर लूं। अवधपुरी अयोध्या के ऊपर से हनुमान जी महाराज पूरे पर्वत ने लेकर गुजर रहा है। भरत जी को नीचे दृष्टिपात भी पर हुयो, चिंतन करियो भरत जी कि कोई असुर राक्षस कठे बहुत बड़े पहाड़ ने लेकर अयोध्या पर गिराने को तो प्रयास नहीं कर रहा है। मूर्छित एक बाण भरत जी बैठे चलायो है। भरत जी कभी बाण के लागण से और हनुमान जी महाराज नीचे गिरिया है। भरत जी को और हनुमान जी को संवाद हुयो है। हनुमान जी महाराज ने पतो, भरत जी महाराज ने पतो चालो ये तो हनुमान है, राम काज को कार्य कर रहा है। मन थोड़ी ग्लानी हुई। अयोध्या वासिया ने भी पतो चाल गो, सुमित्रा जी ने भी पतो चाल गो, उर्मिला जी ने भी पतो चाल गो। अयोध्या वासी भी स्थिति ने देखकर थोड़ा सा चिंतित हुआ। राम को रावण को युद्ध है, सीताजी ने अरली आदि आदि लंबो वृतांत तो हो वो, लेकिन उर्मिला जी के मन में कोई चिंता नहीं है। हनुमान जी महाराज देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि तमाम सब भरत सहित अयोध्या वासी चिंतित थे लेकिन उर्मिला जी के मन में कोई भी चिंता नहीं है। आखिर क्यों? हनुमान जी पूछ रहा है, मैं ब्रह्मचारी हूं लेकिन मेरे मन में यो भाव है कि लक्ष्मण जी इस समय में मूर्छित है और सब लोग चिंतित है, आपके हृदय में कोई चिंता नहीं है। अद्भुत जवाब है भी नारी को सतीत्व ने प्रमाणित करने वालों। वह बोली, हनुमान लक्ष्मण जी के बाण लाग को मैं लक्ष्मण ने जानू हूं। लक्ष्मण जी के पूरे शरीर पर अयाल को कोई रिक्त स्थान है ही नहीं, जठे राम को नाम नहीं है, राम के भाव को अंकित नहीं है, बाके शरीर पर बाण लाग ही कौन सके। हनुमान क्यों चिंता कर रहे है, बात तो लीला है राम की, लक्ष्मण जी ने विश्राम कराने की। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोया कोनी, युद्ध को समय है, कुछ पल लक्ष्मण जी विश्राम कर ले। इस दृष्टि से राम की गोद में लक्ष्मण जी है और राम की गोद में लक्ष्मण जी के प्राण ने कोई खतरो हो जाए, अयाल को कमजोर मेरो हृदय नहीं है। अद्भुत भी नारी का भाव, अद्भुत। हनुमान जी बोलिया, मैं शीघ्रता से जाऊं अन्यथा तो सूर्य उदय हो जाएगो। उर्मिला जी बोल रहा है, हनुमान चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, रघुकुल की नारी को तप तेज सतीत्व है को प्रभाव है इतो कि बिना लक्ष्मण की मूछा टूटे सूर्य भी उदय नहीं हुएगो, तू आराम से जा। समर्पण का भी, अद्भुत दर्शन का भाव भी हनुमान जी महाराज दृष्टिपात कर अपने जीवन में धन्य करे हुए। शीघ्रता से हनुमान जी रवाना होकर भरत के बाण पर बैठकर लंका में पहुंचा है। लक्ष्मण जी के बाद
उस दी लगाई है, सूर्यास्त के पूर्व ही लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटी है। राम जी सहित तमाम सब वानर भालू प्रसन्नता से आच्छादित है लक्ष्मण जी की मूर्छा टूट कर। प्रातः युद्ध प्रारंभ है। बंधुओं, कुंभकर्ण जी, कुंभकर्ण ने भी बीच में रावण जाकर जगा रहा है, युद्ध कर लिया। जरासोक प्रसंग कुंभकर्ण को अपन समझना आवश्यक है। कुंभकर्ण जाग्यो कोनी, अनेक यत्न करने के बाद में रावण के द्वारा कुंभकर्ण की मूर्छा टूटी, जागृत हुयो। जागता ही रावण कुंभकर्ण ने बोल रहे है युद्ध को प्रसंग, राम जी को प्रसंग विस्तार से बतायो है। कुंभकर्ण रावण ने भाई बात बोल रहे है जो विभीषण बोली है, अरे तू समझ राम की शरण में चलो जा। कुंभकर्ण भी आई बोल रहे, देखियो कितो परिवर्तन आयो है और की भाव से आयो है। जो ही जागृत हुयो कुंभकर्ण, रावण के अनेक प्रयत्न के बाद में तो ही कुंभकर्ण रावण ने राम की शरण में जाने के लिए ज्ञान दे रहे हो। और जो ही रावण ने पतो चालो कि वो राम की शरण में जाने की मैंने बात बोल रही है, रावण कुंभकर्ण के लिए भोजन की व्यवस्था करी। और भी भोजन में तमाम प्रकार का असुर राक्षसा को जो भोजन हो वो परोस्यो, श्राप मांस आदि। कुंभकर्ण भी भोजन ने ग्रहण करियो और करता ही कुंभकर्ण की दृष्टि बुद्धि ही बदल गई। कुछ पल राम की शरण में जाने की बात बोल रहे हो, वो अब रावण के साथ राम से युद्ध करने के लिए खड़े हो। बंधुओं, भोजन को इतो बड़ो प्रभाव कुंभकर्ण जयाल के योद्धावा के भी बुद्धि में परिवर्तन लिया दियो। आपने तो कौन सी स्थिति है उसको भोजन करने दृष्टि के लिए प्रसंग ने समझने की आवश्यकता है। राम जी को और कुंभकर्ण को युद्ध हो रहा है, भयंकर युद्ध हो रहा है। लंबे युद्ध की व्याख्या तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रामायण जी के माध्यम से बंधुओं अपन सुनने समझने प्राप्त हुई है। अंत में लंबे समय काफी दिना तक युद्ध चालू है और अब राम जी को और रावण को युद्ध दूसरे दिन प्रारंभ है। पहले दिन देवता भी स्वर्गलोक से दृष्टि से भी युद्ध ने देख रहा है, जय जयकार कर रहा है, लेकिन देवताओं की बात जय जयकार ध्वनि के रूप से समझ में नहीं आ रही है कि रावण की जय जयकार कर रहा है अथवा राम की जय जयकार कर रहा है। दूसरों दिन जब प्रारंभ हो युद्ध को, देवताओं के भी निश्चितता होगी, विश्वास उगो कि अब रावण की विजय निश्चय है, रावण की हार निश्चय है, राम की विजय तय है। तो ही देवता भी चिंतन करे लगा, विचार करे लगा सहयोग के लिए। पहले दिन कोई सहयोग नहीं कर रहा है। विभीषण जी बोलिया है राम जी ने कि प्रभु आप युद्ध कर रहे हो और आपके पास न कोई बहुत बड़ा हथियार है, न रथ है, न पावन पद त्राण है, रावण के ने दूसरी तब सब कुछ है। ई दृष्टि पर, ई विचार पर दृष्टि डालियो बंधुओं। आज समय थोड़ा सो घोष के ज्यादा हुए, लेकिन आनंद सब ना आ रहे हो आप सब पूरा प्रसंग विसर्जित राज्याभिषेक कर कर ही आप विश्राम लेवांगा। विभीषण बोल रहे है रावण के पास रथ है, आयुध रूपी हथियार है, अनेक प्रकार का साधन है। राम जी आपके पास रथ भी नहीं है, पैदल आप युद्ध कर रहे हो, पामा पद त्राण भी नहीं है, कहीं रावण ने जीतोगा। अद्भुत जवाब है राम जी को। वो जवाब अगर आपा आपने जीवन में आत्मसात कर लिया भाव बंधुओं, तो कितो भी बड़ो योद्धा रावण रूपी विचार रूपी आपने जीवन में आपने जीवन में हरा कर सके, हरा नहीं सके। कितनी भी प्रकार की बुराई के रूप में जीवन में कोई भाव आगो, आपा अपने जीवन से हार कौन सका। अगर ये प्रसंग ने आपा जीवन में धारण कर लिया तो के बोले राम जी विभीषण ने, अरे विभीषण सुन, तेरे भाई रावण कर सब कुछ होसी, लेकिन मैं
जके धर्म रूपी रथ में विराजमान होने वो हथियार तेरे भाई रावण के नहीं है, और वो धर्म रूपी हथियार ही विजय करावेगो तेरे पाप रूपी रावण ने। धर्म के रथ पर राम जी विद्यमान ही कुछ भी नहीं होकर और राम की विजय हुई है। राम के पास कुछ भी नहीं है, रावण के पास सब कुछ है, कर भी रावण पाप ने आत्मसात कर रखियो है। इलिए ही बिको उद्धार राम जी के बाण से हुए। बंधुओं आपा ने एक ही चित ई पल से मन में धारण करने की आवश्यकता है कि जीवन में कयाल की भी परिस्थिति आ जाए, मैं धर्म से विचित नहीं हूं। गरीबी, बीमारी, कमजोरी, दरिद्रता कुछ भी मेरे जीवन में प्राप्त हो गोमन, लेकिन मैं धर्म ने नहीं छोड़ दूंगा। और जो व्यक्ति धर्म ने नहीं छोड़ेगो वे के जीवन में संकट असंभव है, असंभव है, अकल्पनीय है। धर्म से विच्युत मत हो। राम जी वो संदेश प्रथम दिन के युद्ध से दियो, प्रातःकाल दूसरो युद्ध प्रारंभ हुयो, दूसरे दिन देवता भी रथ भेज रहा है, इंद्र भगवान भी आपको रथ भेजियो है, और सब होया है। अनेक बाण चलाया, लेकिन वह बाण के माध्यम से रावण की बुझा टूट जाए लेकिन वापिस लाग जाए, रावण को मुख भी खंडित हो जाए लेकिन वापिस लाग जाए। विभीषण जी ने पूछ रहा है, राम जी विभीषण जी मूल जो अमृत की नाभि रावण की ही भी नाभि में बाण चलाने के लिए बंधुओं विभीषण राम जी ने बोल रहे है, वह अमृत रूपी रावण के नाभि में जो स्थान में बहाव हो भी नाभि कुंड में भगवान श्री राम एक साथ 31 बाण चलाया है, और वह राम के द्वारा जो ही बाण प्रतंचा से तेज गति से निकलकर रावण के नाभि मंडल पर जो ही लागया, वो अमृत कुंड जो ही नष्ट हुई हो, तो ही रावण का प्राण राम के चरणाम विसर्जित हुआ। आपके जीवन से प्रथम बार राम शब्द रावण के मुख से निकलियो है। रावण को जो ही उद्धार हुयो, देवता ने जो ही पतो चाल्यो, आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है, राम की जय जयकार हो रही है, आकाश में विमान की भंडार की छाया लागी दर्शन कर रहा है। अद्भुत आनंद राम विजय को वो उत्सव, रावण के असुर को वो अंत को उत्सव। आपन भी जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है बंधुओं, और बिना सब राम की सेना वानर आदि समय गमाए माता सीता के पास हनुमान जी जाकर संदेश दियो है, तमाम सब भाव बताया है। राम जी अब विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी कर हनुमान जी लक्ष्मण जी अंगद आदि ने निर्देश दियो है कि लंका में जाकर विभीषण को राज्याभिषेक करो। राम जी स्वयं नहीं जा रहा है क्योंकि बाकी प्रतिज्ञा ही कोई भी नगर में नहीं प्रवेश करने की भी प्रतिज्ञा के कारण भगवान राम नहीं गया है। राम सब लोगों ने भेजकर विभीषण को भी लंका की गद्दी पर अभिषेक राज्याभिषेक करवायो है। माता सीता जी हनुमान जी आदि सब लोग लेकर आया है। माँ सीता को वो अग्नि स्नान को भाव बंधुओं आपने सामर्थ्य था बुद्धि की इतनी है नहीं कि भी को प्रसंग आपा पढ़ सका हाँ सुन सका हाँ। स्वयं माता सीता सतीत्व ने सत्य ने जीवन में धारण करने वाली बिकी खटे आवश्यकता है परीक्षा लेने की। राम का और माता सीता का लंबे अंतराल के बाद साथ में दर्शन कर तमाम सब बानर बहलो हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी सहित आज धन्य होया है। और अब राम के हृदय में अयोध्या भरत का दर्शना को भाव उत्पन्न हुयो है। 14 वर्ष की अवधि शीघ्रता से पूर्ण होने वाली है, इसलिए विभीषण ने
राम जी आदेश दियो है, अब एक भी पल बिना गमाए अयोध्या चालनो है, क्योंकि भरत बाही जो है आपका प्राण भी अवधि तक ही शरीर में धारण करके राख राख्या है, अवधि से एक पल भी अगर आगे चलो गयो विभीषण, तो मेरे भाई भरत आपके इस शरीर से प्राण भी त्याग सके है। बंधुओं, इसलिए विभीषण जी राम की आज्ञा पाकर पुष्पक विमान तैयार करियो है। सेना जो ही भी सेना ने बालर बालू आदि माने सब ने यथा सम्मान दर्शन संवाद के साथ विदाई देकर मुख्य रूप से जामवन जी, अंगद जी, नल नील, हनुमान जी, लक्ष्मण जी आदि पुष्पक विमान में विराजमान होकर लंका से प्रस्थान कर रहे हैं। सीता जी ने प्रभु राम भी विमान से सब स्थाना को दर्शन करवा रहा है। कौन से स्थान पर युद्ध हुयो और राम सेतु को में निर्माण करो, तमाम स्थाना पर चित्रकूट आदि जटे जटे मुनिया के पास रुकिया, बासम मुनिया को स्थान आदि को दर्शन करायो है। यमुना जी से पूर्व गंगा जी आदि को, भारद्वाज जी के आश्रम को आदि को दर्शन विमान से करवायो है। बंधुओं, और आज प्रयागराज में विमान उतरियो है, सिंगेरपुर में निषाद राज गुह के साथ जठे मिलिया, बस भी मुलाकात मिलन प्रभु राम को उयो है। केवट न याद भगवान आज निश्चय करियो है। अंगद जामवन जी आदि ने केवट को प्रसंग भी बतायो है, निषाद राज के द्वारा केवट ने बुलायो जा रहे है। केवट की उम्र खूब होगी, पत्नी सहित वो केवट भी आकर राम का दर्शन पाकर नहयाल हुयो है। भगवान आज केवट ने बोल रहा है कि तेरी उतराई भी समय तू ले ही कोनी ही, आते समय लेवांगा यो वादो हो, अब तेरी उतराई तू अवश्य ले। केवट बोल रहे प्रभु मेरी उतराई आई है, भी समय थे मेरी न्याव में बैठा और आज थे मन थारे पुष्पक विमान में बैठाकर अयोध्या वासियां का मन दर्शन करा दियो, आई मेरी उतराई है। और निषादराज गोह ने भी केवट ने भी सह पत्नी प्रभु आज आपके विमान में वापिस बैठाकर अयोध्या के लिए प्रस्थान करवा रहा है। हनुमान जी महाराज ने वटु के रूप में, विप्र के रूप में अयोध्या में संदेश देने के लिए पूर्व में रवाना कर दियो कि तू जाकर संदेश दे कि प्रातः अवधि पूर्ण होता ही राम का दर्शन अयोध्या वासियां ने होगा। हनुमान जी महाराज भरत जी के नाया है और पुष्पक विमान से भगवान राम जामवन जी आदि अंगद ने और अयोध्या जी का अद्भुत दर्शन करा रहा कि आ है मेरी अयोध्या, अद्भुत दर्शन। बंधुओं, और की लीला के विश्राम पर आपने कुल से भावा से राम का दर्शन की व्याख्या कर सका हूं। राम जी जो ही अयोध्या में प्रवेश करियो, अयोध्या वासियां की, भरत जी की, शत्रुधन की, कौशल्या जी की, सुमित्रा आदि, गुरुदेव वशिष्ठ जी की जो आभा ही भी आभा का आप कहीं वर्णन कर सका हूं। बंधुओं, राम जी और भरत जी को वो मिलन जो एक शरीर में प्राण आवे, बाबी दृष्टि कमजोर है, अद्भुत राम और भरत को वो मिलन, अद्भुत वह धर्म का दर्शन, अद्भुत वह सनातन का दर्शन। बंधुओं, जीवन में आपने सब कभी आत्मसात हुए प्रभु के चरणा में, ओ ही निवेदन आपा सब मिलकर करा। वशिष्ठ जी के द्वारा शीघ्रता से प्रभु को अयोध्या की भी राजगति पर राज्याभिषेक हुयो है। पीछे शत्रुधन जी, भरत जी और लक्ष्मण जी छत्र चवर आदि लेकर खड़े हैं। माता सीता और राम सिंहासन पर विराजमान है। समक्ष हनुमान जी महाराज ने स्थान प्राप्त हुयो है राम के चरणा में। गुरुदेव वशिष्ठ जी सबसे प्रथम प्रभु श्री राम को राज्याभिषेक करियो है। बंधु, राम जी के द्वारा राम राज्य को प्रारंभ है, राम राज्य को प्रारंभ है। अयोध्या के
राम राज्य का वर्णन अंतिम पला में तुलसीदास जी महाराज कर रहा है, जका अपन भी हृदय में आत्मसात करने की आवश्यकता है बंधुओं, कि राम राज्य में के हो और आज के राज्य में के है, भी राम के राज्य में जो हो वो आज आपा राम के दूत में संकल्पित होकर ई पृथ्वी पर ई धरती पर ई भारत में स्थापित करा, अयन को अपन संकल्प लेने की आवश्यकता है। और 9 दिन बंधुओं नवरात्र के पावन उपलक्ष पर राम जी की 9 प्रतिष्ठा के साथ राम का दर्शन ही भागवत राम कथा के माध्यम से आप करे हैं। मोरवाल परिवार के द्वारा योसु अवसर अपन प्राप्त हुयो, आपनो कर्तव्य बने है, आपनो धर्म बने है कि आपा सब एक बार जोरदार करतल ध्वनि कर आपा मोरवाल परिवार को साधुवाद आभार धन्यवाद प्रकट करा, क्योंकि मोरवाल परिवार के हृदय में राम कथा को भाव नहीं आतो तो यो भाव आपा नवरात्रा जयाल के पावन अवसर पर ई रामनवमी के पावन अवसर पर खटे सुन पाता। इलिए संपूर्ण ई परिवार को ई व्यासपीठ से साधुवाद आभार। और दूसरो भाव बंधुओं, आप सबको ई राम कथा में प्रथम दिन से आप सब श्रोताओं की उपस्थिति जी भाव से दर्शनित हुई है, दर्शनित हुई है, अद्भुत है। आज के समय में राम को नाम जपे कत ही जीवन सुहावे नहीं, अयल की परिस्थिति में ये जूझणू का ये राम कथा का आप सब जो श्रोता हो अया लाग रहे हो कि अयोध्या में ही राम जी का दर्शन करता करता राम के भावना आप सुन रहे हैं। माताओं आपने, श्रोताओं भक्तों सब ने आपने खूब खूब साधुवाद, इलिए कि आपके हृदय में राम के दर्शना की पिपासा ही।